के आसपास कहीं पे तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ झाकू मंदिर और झाकू मंदिर हम जाएंगे पे और पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ की तो उस टाइम में तो आपको लेके गया था बाय वॉक और पिछली बार मेरे साथ था भी कोई इस बार मैं अकेले जा रहा हूँ और पे जा रहा हूँ मैंने बोला था अपने एक दो फ्रेंड को लेकिन उनको ऐसे मतलब ऊँचाई से डर लगता है तो उन्हें मना किया कि हम मतलब इस तरह से ऊंचाई की वाली चीज़ों से डर लगता है तो फिर मैं अकेले जा रहा हूँ उस तरह और अभी यहाँ पे रिज पे खड़ा हूँ तो अभी पूरी वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको लग सके पूरी वीडियो के बारे में पता तो यार स्टार्ट करते वीडियो तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त है चर्च जो कि रिज मैदान के ऊपर वाला चर्च है तो मैं एक रास्ते से जा रहा हूँ वो बिल्कुल चर्च के साथ होकर गुजरता है तो वो जाता है सीधा रोफे की तरफ जी हाँ इसी रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं ये जाता है ये बिल्कुल चर्च के बैक साइड में है और ये रोफे की तरफ हेड करता है और मैं इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे को जा रहा हूँ और देखिए सामने रोपवे की बिल्डिंग है यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ और गाइस मैं चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ और मेरे मुंह पे ठीक सूएज बजा हुआ है आप देख सकते हो कितना मतलब सनकिस्ट लगा है फेस पूरा और मेरे बैक साइड में लोग चले हुए हैं और साथ में रेलिंग्स है और अभी मतलब कि सुबह का ही टाइम है ज़्यादा अभी कुछ टाइम नहीं हुआ है दोपहर वगैरह का इस तरह का कुछ तो अभी हमें पता लगने वाला है एक्चुअल में कि भाई रोप के लिए कौन सा वाला रास्ता जाने वाला है अभी सामने कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए और ये रहा वे टू जाखू रोफ वे फिफ्टी मीटर्स इस तरफ को एरो किया है तो इस तरफ ही होगा तो बस मैं उस तरफ को निकल पड़ा हूँ, अब और रास्ता बिल्कुल बहुत कम शम लोग चल रहे हैं इधर सुबह के टाइम वैसे भी थोड़ा रश कम होता है कई बहुत जल्दी चले आते हैं ऑफिस पे वर्क पे कई लेट हो जाते हैं तो इस वजह से सुबह और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वे टू जाकू ये थोड़ा सा और आगे जाने के लिए बोला थर्टी मीटर्स आगे अच्छा यहाँ पे लिखा थर्टी मीटर पीछे शायद कुछ और लिखा होगा फोर्टी लिखा होगा आई थिंक और मैं बिल्कुल इंस्ट्रक्शन जैसी मिल रही है रास्ते में बिल्कुल वैसे करके फॉलो कर रहा हूँ और मैं पहुँचना चाहता हूँ जाकू रो की तरफ जो कि ज़्यादा दूर नहीं है मतलब कि अब मुझे कुछ ही टाइम लगने वाला है तो गाइस मैं थोड़ा सा ही दूरी पे हूँ देख सकते हो आप एक बड़ी सी बिल्डिंग मुझे बस इसके टॉप तक जाना है जा को वे जहाँ पे लिखा हुआ है तो बस चल पड़े हैं, और अब तो बिल्कुल नज़दीक ही है हम बिल्कुल नज़दीक और सूच पहले की तरह हमारे फेस भी बजा हुआ है और गाइस देख सकते हो आप हम पहुंच चुके हैं फाइनली रोप के पास ही और इधर यहाँ पे इनकी टिकट वगैरह करती है जो आपने मतलब इनके रोप पे में जाना होता है तो मतलब मैं साइड डिटेलिंग आपको बताने वाला हूँ अभी ये देखिए ये स्टैचूज़ वगैरह गया है यहाँ पर ये भंगड़ा करते हुए पंजाबीज़ लोग इनके स्टैचूज़ बनाए हैं यहाँ पे और जाकू जाकुर पे लिखा हुआ है जीरो किलोमीटर्स और यहाँ पे है काउंटर इनका और यहाँ फिर से लिखा हुआ है जाकू जाकुर रोपे तो देख सकते हो आप जब यहाँ नॉर्मल डेज़ की फ़ोटो है ये वाली और ये वाली फ़ोटो है स्नोफॉल टाइम की तो यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह ने और इनके रेट्स देख सकते हो आप यहाँ पे ये इनके प्लस जीएसटी है एट्टीन परसेंट जी के साथ इन्हें टोटल समा रखा हुआ है ये रेट्स लिखे हैं पॉज करके आप देख सकते हो और ये पे पेटीएम वगैरह से एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट्स वगैरह और कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई यहाँ पे कोविड की और इसके बाद इसके बाद मतलब मैं जाने वाला था उससे पहले मैं आपको बिल्डिंग के आसपास की जगह दिखा दूँ एक बार तो ये सब कुछ है यार बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखती है जाकुर रोफे की और मैंने टिकट ले लिया है और टू नाइन्टी फाइव का है वन साइड का अगर आप टू साइड का लेते हो तो टू फ... नहीं फाइव फिफ्टी का है और यहाँ से एंट्री है आपको लि... दिखा होगा यहाँ पे सामने की भैया एंट्री इस तरफ है यहाँ पे सैनिटाइज़ करवाते हैं आपके हाथ पहले ये लोग और एक आदमी लिफ्ट में आपके साथ चलता है अंदर से ये आपके साथ ही रहता है लिफ्ट के अंदर जब तक आप टॉप वाली मंजिल में पहुंचना जाओ तो फ़ाइनली हम ऊपर पहुँच चुके हैं और मैं बाहर निकल चुका हूँ और ये बहुत अच्छे से गुड बाय करते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी कैंटीन है कैफेटेरिया टाइप है ये थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह मिलती है और इस तरह का सीटिंग का कुछ बंदोबस्त है यहाँ पे और शीशे से कुछ इस टाइप का व्यू दिखता है नीचे को क्योंकि काफी टॉप की बिल्डिंग है ये तो इतना सब कुछ दिखता है नीचे और ये है, बिल्कुल मतलब नीचे चर्च वाली एरिया सारे दिखते हैं नीचे को और ये दूसरी तरफ वाली खिड़की यहाँ से कुछ नहीं बस आपको जंगल दिखेगा और ये वाले वाला वॉशरूम्स हो गया ये मेल का वॉशरूम है पहला वाला और सेकंड वाला है फीमेल का और इसके बाहर भी जो यारकू है ना ये मतलब अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये वर्क देख सकते हो आप ये वुडन वाला वर्क लगता है कुछ कुछ सही तरीके से सजाया हुआ है वॉशरूम के बाहर से और ये वाला है अमिताभ बच्चन जी का स्टैचू और मैं अब इसके अंदर बैठ चुका हूँ जो कि है हमारा रोफ वे ये एक टाइप का बॉक्स होता है इसमें चाय एक लोग तो आसानी से आ ही जाएंगे मेरे हिसाब से पर मैं अकेला ही था अकेले बैठा हुआ था इसके अंदर ओह ये चल पड़ा हुआ है अब ये हवा में चल रहा है हवा में क्या मतलब रोप में चलता है ये और आ, मैं बैठा हूँ मज़े के साथ मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ अपनी और आ, देख सकते हो आप मैंने अपने ही सेल्फी स्टिक को बाहर डाल दिया हुआ है अपने फोन को रिस्क में डाल के अगर कुछ भी गलती हुई या कुछ भी हैंड स्लिप हुआ मेरा तो फोन सीधा कैफ कई फुट नीचे जाके गिरेगा और मिलने की मुश्किल उम्मीद है कोई उम्मीद नहीं है मिलने की फिर तो मैंने ये बाहर डाल दिया हुआ था और आप सामने वाली सीट तो देख ही सकते हो कोई भी नहीं था मेरे साथ और मैं अकेला ही था देख सकते हो आप व्यू देख सकते हो तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है और ये काफ़ी हैवी मेटल का यूज़ किया हुआ यहाँ पर क्योंकि यार बॉक्सेस भी काफी बड़े होंगे तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि आ, ये मेटल भी कुछ मतलब बहुत टिकाऊ होना चाहिए व्यू नीचे का दिखाता हूँ आपको तो ये है रहा व्यू रोप से और ये रहा इस तरफ जंगल और यहाँ पे लगी हुई है धूप बहुत अच्छे से और देखो दूसरी साइड से रोफ पे नीचे को आ रहा है और हमारी वाली साइड से ऊपर को जा रहा है तो इस तरह से आना जाना लगा रहता है यहाँ पे रोफ वे का और आजकल तो फिर भी थोड़ी कम भीड़ है कई बार इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि 24 घंटे चले ही जाते साए के साए इनके बॉक्सेस बुक होते हैं अभी तो इनके टू ही बॉक्सेस बुक थे आई थिंक सो गाइस देख सकते हो धूप पड़ी हुई है पेड़ों के ऊपर काफ़ी चमक रहे हैं और दो के दो बॉक्सेस एक मेरा वाला बॉक्स और एक केरला से आए हुए थे दो टूरिस्ट उनका बॉक्स था यहाँ पे और हमें वहाँ जा के पहुँचना है ऊपर टावर तो दिख ही रहा होगा आपको वहाँ पहुँचना है इस वक्त मैंने अपना कैमरा बाहर निकाला हुआ है और मतलब पूरे रिस्क के साथ कुछ भी वैसे चूक होती है या फिर कुछ भी मतलब हाथ वगैरह फिसलता है तो ये नीचे गिरेगा मेरा कैमरा सीधा जाके हवा से हवा भी यहाँ पे नॉर्मल चली हुई है कोई ऐसी नहीं है तूफ़ान टाइप और देख सकते हो आप इस तरह से मैं कुछ थोड़ा घबराया हुआ भी था कि भाई कहीं कैमरे कूमरे का कुछ होना जाएगा और नीचे का व्यू बहुत अमेजिंग दिख रहा है यहाँ से शायद ही किसी यूट्यूबर ने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा आप लोगों को कि भाई इस तरह का होता है मतलब विद स्टेबिलिटी भी सही थी यार मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कहा मैं एक्चुअल सी बात बोल रहा हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का नीचे का सीन ये पीछे से दूसरा बॉक्स आ रहा है तो हम पहुंचने ही वाले हैं यहाँ पे दूसरे टावर के पास जो कि है मतलब जाखू मंदिर में जाके और पहला वाला था नीचे मॉल रोड पे तो यार इतना अच्छा सफ़र रहा है नीचे से लेके कर यहाँ तक का और काफ़ी मज़ा आ गया तो जंगल जंगल साइड में कुछ दिखाने का यानी नीचे से ऊपर का व्यू दिखा दिया आपको और ऊपर को किस तरह से जाए थे वो दिखा दिया आपको तो मतलब जितना हो सकता था मुझसे वो मैं आपको दिखा चुका हूँ अब हम यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं थोड़ा सा रहा हुआ है थोड़ा सा सफ़र बचा हुआ है और बस कुछ सेकंड की बात है और और हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे और बहुत अच्छी रही बहुत बिल्कुल काम था कि यात्रा थी ये मतलब कोई भी इस तरह की मोटर की न आवाज़ बिल्कुल शांत तरीके से ऊपर जाते हो आप नीचे आते हो सब कुछ और नीचे से आए थे हम आए और अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है अब ये यह यहाँ वाले नीचे को जाएंगे बस इस तरह से ही सिलसिला चला रहता है पूरे दिन भाई यहाँ पर का और लोग अपने यहाँ पे घूमने वगैरह के पर्पस से आए होते हैं तो अपना पर्पज़ पूरा कर लेते हैं आए तो मतलब इस तरह से ही चला रहता है यहाँ पर सिस्टम्स आया रोप वे में आना जाना लगा रहता है पूरे दिन भर तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो पर्सनली तो आपको इसकी थोड़ी मशीनरीज़ वगैरह दिखा दिखाता हूँ कुछ इस टाइप का होता है इनका सिस्टम अंदर फिट हुआ हवा और निचली था भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही था और मैं अब अलविदा कर रहा हूँ इस स्पॉट को यहाँ पे जो कि है रोप वे स्पॉट कह सकते हो आप तो क्योंकि अब मुझे जाना है यार मंदिर की तरफ और मैं ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि आपको मंदे वाली जगह भी दिखानी है फिर और यहाँ पे पहले लिखा है मन मंकी से सावधान रहे मतलब आपके साथ कुछ छीना झपटी भी कर सकते हैं वे टू टेम्पल लिखा हुआ है सीधी इंस्ट्रक्शन दी हुई so का सभी अभी हम रोप वे से ऊपर आए हैं रोड से यहाँ तक का सफ़र बहुत ही काम काम रहा है क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था और मैं उस डब्बे ऐसे में जो भी रोप का डब्बा होता है जिसमें यहाँ तक पहुँचते हैं उसमें मैं अकेला था और उसका ही फ़ायदा उठाते हुए मैं हाई एंगल से वीडियो शूट कर सकता था जो कि मैंने किया पूरा का पूरा फ़ायदा उठा के और अभी हम जाए टेम्पल की तरफ टेम्पल तो मैंने बहुत बार देखा हुआ है बट आ, इस बार कुछ अलग ही मज़ा आया मतलब एफर्ट नहीं करने पड़े इतने साइज स्टेयर्स पे चढ़ने के बस आप उस पे बैठे रोप पे और सीधे टपाक से यहाँ पे और भाई साहब बंदर का आना तो अभी से स्टार्ट हो चुका है ये भगवान अब मास्क वगैरह भी पहनना पड़ेगा शायद आई थिंक मुझे क्योंकि यहाँ क्राउड होता है काफ़ी ज़्यादा पहले मैं मास्क पहनता हूँ फिर आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ जाकू टेम्पल की तो कैसे इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर और ये है कुछ कुछ नज़ारा यहाँ पे धूप लगी हुई है बहुत सुहाना मौसम है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा नहीं हैं नहीं है काफ़ी ज़्यादा नहीं है हाँ लिमिटेड अमाउंट में है मैंने सोचा था कि काफ़ी होंगे और यहाँ पे इनका है भंडारा भवन यहाँ पे भंडारा लगता है हनुमान जी के वहाँ खाने को मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे स्टेयर्स जो दिखाई है आपको ये जाती है मंदिर के अंदर और अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है ये मंदिर और यहाँ पे पहले की जो भी किस्से हमने सुने हैं वो सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं मूर्ति के द्वारा कुछ जिस तरह से सूएज को निकल दिया था हनुमान जी ने और कुछ मुँह से निकले थे हनुमान जी सब कुछ देखने को मिलता है और ये गेट है मेन गेट और यहाँ पे लोग आपको दिख जाएंगे ये बेचने वाले प्रसाद बेचने वाले और जंगली जंगल है साइड बाय मैं हर जगह से और जो यहाँ पे लोग आपको दिख रहे हैं ना ये भंडारे खाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं मतलब ताकि इनका भी नंबर आ जाए और ये शूज़ वगैरह यहाँ पे उतारे थे जहाँ मैंने ज़ूमिंग किया था अभी ये कहाँ का है अंकल ये वाला ट्रेडिशन नहीं कुल्लू का लू, लू, है कहाँ का अच्छा आप फोटोग्राफी वगैरह करते हो यहाँ पे फोटोग्राफी तो क्या इसके बाद मैं इन दो आ, ये पेड़ बुशेस जो भी है मतलब इनके बीचों बीच हो के मैं जाया था एक खुली जगह आपको दिखी रही होगी कितनी सुंदर है तो यहाँ पे मतलब ठीक ठाक धूप लगी हुई है लोग यहाँ पे मज़े के साथ धूप सेक रहे हैं क्या रहे हो आप खेल रहे मिट्टी के साथ अच्छा जी तो मैंने इस लड़के से पूछा इस छोटे से बच्चे से पूछा कि भाई क्या शरारत करते हो यहाँ पे आप तो इसने मुझे बताया कि भाई मैं तो मिट्टी के साथ खेल रहा हूँ और मैं फिर बस इतना सा पूछ के आगे कुछ चल पड़ा अपने रास्ते में मैं बोला भाई क्यों किसी का मजाक खराब करना है जब कोई मतलब बच्चा अपने आप में खेल रहा है तो और देख सकते हो कितना मतलब खुला एरिया है और काफ़ी मतलब मज़ा आएगा इधर आपको ये कुछ संग्रहालय है यहाँ पर इनका हनुमान मंदिर का तो ये अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब दो तीन साल पहले 2016-17 सिक्सटीन के आसपास इसका ये ओपनिंग हुई है और यहाँ पे लोग मज़े के साथ बैठे हुए हैं धूप गया सेकने और सूर्य सामने से ठीक मुंह के ऊपर पड़ रहा है और अभी यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक टेंपल ज़ूम करके ये देख सकते हो आप ये यहाँ से ढिंगू माता मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से ये अभी मैंने जूम किया ना और पेड़ वगैरह देखिए आप मतलब बीच में सूरज वाह मतलब यहाँ का क्लाइमेट ना थोड़ा चिलचिल -चिल लगा मुझे तो गाइस अभी यहाँ पे मैं दूसरी साइड को आए संग्रहालय के संग्रहालय आई थिंक इसमें कुछ बुक्स वगैरह की होती होनी संग्रहालय कुछ इस तरह से ही मतलब निकाले एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे पता नहीं है संग्रहालय का मतलब कलेक्शन ऑफ बुक काइंड ऑफ थिंग लग रही है तो शायद बुक्स वगैरह होगी इसके अंदर तो मतलब इस तरह का दिखता है यार बहुत सही से ये भी मेंटेन है और मैं जा रहा हूँ अब वापस जहाँ से आया था इस पार्क की स्टार्टिंग वाली जगह से नहीं आ रहा हूँ मतलब एक एग्जिटिंग वाली साइट है तो मतलब इस तरह करके जा रहा हूँ सन को फेस करके ताकि जो फुटेज है ना वो क्लियर आए मतलब फेस uh, में या क्लियरली दिखे ना कि ऐसे डार्किश ताकि मतलब रिकोगनाइज थोड़ा मतलब क्वालिटी में ना थोड़ा फर्क आ जाता है तो मतलब क्वालिटी रिड्यूस ना हो इसके लिए मैं इस तरह से ही जा रहा हूँ मतलब इस तरह से कैमरा करके और बंदर भी आसपास थे काफ़ी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डर लग था और मैं जा ही रहा था जा ही रहा था इधर उधर देखते हुए कि भाई बंदर कहीं से झपटा ना वाले क्योंकि यहाँ के बंदर ऐसे इतने शरारती है अगर आप आपसे इनको कुछ खाने के लिए चाहिए होगा तो ये आपको तंग नहीं करेंगे आपकी चीज़ें उठा के ले जाएंगे मतलब वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से तंग करना ही हुआ बट इनका तंग करने का तरीका कुछ और है जैसे आपने कुछ गोगल वगैरह पहनी हुई है तो ये आपकी गॉगल वगैरह भी उठा के ले जाएंगे फिर आपको ये वापस तब करेंगे, करेंगे आप इनको कुछ खाने के लिए देंगे और ये रही कंटीन यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच और स्नैक्स सब कुछ मिलता है और ये रहा इनका मेन्यू ये थोड़ा सा इस तरफ यह मेन्यू और अभी दूसरी तरफ का मेन्यू भी दिखाता हूँ मैं आपको ये रहा दूसरी तरफ का मेन्यू तो ये कंटीन में मिलता है यहाँ पर और मंकीज़ तो आपको पता ही है मंकीज़ तो होते ही यहाँ पर और इतनी बड़ी मूर्ति जो एक सौ आठ फीट की है वो भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं और अभी लोग की मतलब ये क्राउड बढ़ता जा रहा है इधर पहले कम ही क्राउड देखने को मिल रहा था लेकिन अब आस्ते 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 लोग आते जा रहे आते जा रहे और ये वाली ये मूर्ति अभी आपको जूम करके भी दिखाऊंगा इसको ताकि आपको पूरी डिटेलिंग पता लग सके कि भाई आदमी तो इसके सामने बिल्कुल छोटा सा कीड़ा लगता है इतनी बड़ी मूर्ति है ये देख सकते हो आप इधर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ लिखा हुआ है लिखा हुआ बाद में दिखाता हूँ ये देखिए इस टिकट की फीस वगैरह लिखी हुई है टू फिफ्टी प्लस जी मतलब वो टू नाइनटी फाइव के अप्रोक्सीमेटली होता है आई थिंक तो इस ये है यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति की आ, हनुमान की शायद इंडिया में काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सब लोग तो जानते हैं ये बात और जो मेरे ठीक पीछे ये हनुमान जी की मूर्ति है और आप देख सकते हो 108 आठ फुट की मूर्ति है काफ़ी बढ़िया लगती है तो गई सब बारी है हनुमान जी की मूर्ति को जूम करके दिखाने का तो देख सकते आप लोग इसके सामने कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं इसके पाँव के पास भी नहीं पहुँच सकते लोग और देखिए आप इतनी विशाल का मूर्ति और ऊपर देख सकते हो आप इसका उद्घाटन अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन बच्चन ख़ानदान ने किया था यहाँ पे जब ये मूर्ति बनी थी और बाकी तो यार आपने काफ़ी ढेर सारी वीडियोज़ देखी होगी पता ही है आपको हिस्ट्री तो क्या ही बताएं यहाँ की तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा इस मूर्ति के बारे में हाई मैं इस मंकी की ना बिल्कुल सामने से वीडियो बना रहा था बट इस टाइप की गलती तब मत कीजिए आप जब ये अग्रेसिव मोड में हो और ये वाला है थोड़ा सा पार्क यहाँ बच्चों के लिए यहाँ झूले वगैरह लगे हुए और थोड़ा रेट वगैरह है टिकट का जो राखू रोप वे का टिकट है उसके रेट बताए हुए हैं और बस यही है यार इधर तो यार कैसी लगी आपको वीडियो आज की जो कि मैंने बनाई थी यहाँ के रोप वे पे जाखू मंदिर किस तरह से आया मैं जो रोप वे पे और अभी अभी मैं रिसेंटली आ, अपना ये क्या बोलते भंडारा यहाँ पे भंडारा खा के ना फारिग हुआ तो आप यकीन नहीं मानेंगे बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी खाना मिलता है यहाँ पे भंडारे में तो यार ज़रूर प्रसाद लीजिए प्रसाद होता है एक तरह का भंडारा अगर किसी नहीं पता है तो तो बाकी यही थी आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ इस इस वीडियो को मैं और मिल अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और हाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चुपके चुपके मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी तीन लाख व्यूज़ होने वाले हैरानी की बात है कि अगर तीन लाख लोगों में से मतलब टेन परसेंट लोगों ने भी किया होता मतलब सब्सक्राइब तो इस वक्त अराउंड मेरे मतलब थर्टी थाउजेंड के आसपास होने थे सब्सक्राइबर्स बट थर्टी फोर परसेंट ही लोगों ने किया है आई थिंक तो मतलब थ्री फोर थाउजेंट ही है तो यार ऐसा मत करो कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको मोटिवेट करो सब्सक्राइब करो शेयर करो बस यही बोलना चाहता हूँ मैं बाकी यार आपका दिन मंगलमय हो शुभ हो आपका दिन आ, तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मंदिर में आके आपको भी आना चाहिए वीकली मंथली जिस तरह से भी आपका है मतलब मंथ में एक बार तो विजिट करना ही चाहिए किसी भी टेम्पल को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है एक घड़ी आप अंदर रह है सकते हैं मंदिर के बिल्कुल शांत माहौल में क्योंकि मंदिर का जो मेन कैंपस होता है ना वो अंदर का जहाँ पे तो वहाँ पे बिल्कुल शांति होती है बस यार यही कहना था आप लोगों से तो यार सब्सक्राइब कर sure करना है मेक शो इट और शेयर करना है मेक शो कर लीजिए आप ये अपने दिमाग में तो यार वीडियो को अच्छे खासे व्यूज़ देने हैं तो मतलब व्यूज़ आएंगे शेयर करने से तो बस शेयर करना है सब्सक्राइब लोग करेंगे अगर पसंद आती है मेरी वीडियोज़ तो यार थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो uh, टाटा टेक केयर बाय बाय मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में